संध्या यादव ने आंगनबाड़ी की नियुक्ति पर लगाई आपत्ति, कहा मार्कशीट फर्जी। संध्या यादव प्रदेश में रही थी नंबर वन पर। शिवपुरी जिला पंचायत कार्यालय में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर अंतरिम चयनित साधना शर्मा के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने संध्या भार्गव पहुंची, जहां उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। संध्या यादव निवासी ग्राम अलाविदी तहसील बदरवास ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता के पद पर जगह निकली थी, जिसमें साधना शर्मा ने कार्यकर्ता के पद पर फॉर्म भरा था, लेकिन उनकी भर्ती में मार्कशीट और अनुभव प्रमाण पत्र गलत प्रस्तुत किए गए थे, जिसकी जाँच कराई जाए। वहीं साधना शर्मा बीपीएल की पात्रता में भी नहीं आती है, उनके पति के नाम पर अचल संपत्ति है। पूर्व में भी साधना शर्मा की भर्ती निरस्त हो गई थी। साधना शर्मा द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और अभी जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनका मिलान किया जाना अति आवश्यक है। संध्या यादव ने बताया कि साधना शर्मा से अंकों से अधिक पात्रता रखती है। साधना शर्मा की अंक सूची की विशेष रूप से जाँच कराई जाए। साधना शर्मा का चयन कार्यकर्ता के पद प्रथम स्थान पर हुआ एवं सहायिका सूची में चौथे स्थान पर है, इसकी जांच कराई जाए। साधना शर्मा ने 2017 में 12वीं का एग्जाम दिया था, जिसमें संध्या यादव का प्रदेश में प्रवर्णीय सूची में 5वां स्थान आया था, वहीं जिले में 3रा स्थान रहा था। क्या नाम है आपका? संध्या यादव। संध्या यादव जी, यहाँ क्या जिला पंचायत में आप आए, क्या मामला है, क्या आपत्ति लगाई आपने? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मामले। क्या क्या आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुई है? मार्कशीट और वो अनुभव गलत लगाया उनका। अच्छा, तो जांच की जाए सही तरीके। आप प्रदेश में प्रावीण्य सूची में आपका स्थान आया था, पूरे प्रदेश में कौन से सन में आपने एग्जाम दिए थे? 2017 में। कौन से रैंक आई थी आपकी? पूरे ओवरऑल एमपी में 5th थी और जिले में 3rd थी। जिले में 3rd थी, उसके बावजूद भी आपको स्थान पे दूसरे स्थान दूसरे जने की मार्कशीट लगा दी, तो मार्कशीट वो कैसी है? मार्कशीट वो फर्जी है। फर्जी मार्कशीट है, तो उसमें दूसरे की नियुक्ति करने जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। हाँ, प्रयास किया जा रहा है।